दोस्तों आज के दिन जा रहे हैं हम लोग गाड़ी को धुलवाने, क्योंकि कल के दिन मैं टोरंटो के लिए रवाना होने वाला हूं। तो रवाना होने से पहले गाड़ी को जरा साफ कर देते हैं और जरा पता करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहां पे कनाडा के अंदर कार वॉशिंग का कैसा सिस्टम होता है और कितने डॉलर्स में हम गाड़ी को धुलवा सकते हैं। चलिए फटाफट से। ब्रदर तो हम लोग यहाँ पे कल ऑलरेडी आ चुके थे और कल के टाइम पे इतनी भीड़ थी, जहाँ बाहर वो बोर्ड लगा रखा है वहाँ तक भीड़ थी। आज हमारी किस्मत अच्छी है कि करण की गाड़ी पहले नंबर पे, मेरी गाड़ी दूसरे नंबर पे, और ये जानकारी करण से ही दी गई थी कि यहाँ सुबह सुबह जल्दी उठ के आ जाओ मुँह हाथ धो के, तो दो तीन घंटे लाइन पे वेट नहीं करना, तो रेगुलर धुलवाने की बनवा लें। तो एसओ में भी, पेट्रोल पंप पे जो एसओ, वहाँ पे भी कार वॉशिंग होती है, लेकिन वहाँ पे मैंने कार वॉशिंग का ऐसा देखा है कि बस आप गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी अंदर जाएगी इस तरीके से और फिर ऑटोमेटिकली बाहर से जो भी उनकी मशीन है वैसे धुलेगी। पर यहाँ पे करण के हिसाब से और यहाँ पढ़ने के भी हिसाब से यहाँ पे हैंड वॉशिंग होगी, वो लोग अंदर भी साफ करेंगे, बाहर भी साफ करेंगे और विद हैंड करेंगे। मशीन के साथ साथ हाथ से गाड़ी साफ होगी, यानी चमचमा जाएगी गाड़ी एकदम। और यहाँ पे जो रेगुलर हैंड वॉश है एक्सटीरियर और इंटीरियर, उसका $29 है प्लस टैक्स हो गई। और पीछे की ट्रंक अगर साफ करवानी तो उसका $2 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये खुल चुका है तो फटाफट से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से गाड़ी धुलती है। एक ही बारी है, लेकिन मेरी गाड़ी बहुत कम धुलवाई है, मतलब नहीं धुलवाई है, ऐसा ही समझो, तो बहुत ज़्यादा गंदी है। तो मेन तो प्रेशर इनको मेरी गाड़ी धोने का आएगा, पर उन्होंने वो पैसे लिए हैं ना, तो पूरा पेटी पैक करके। हाँ, इसके पैसे कितने दिए वो आपको मैं बताता हूँ, हमने थोड़ा अलग वाला करवाया है, बाहर जाके आपको बताता हूँ, अंदर आवाज़ बहुत आ रही है।
दोस्तों गाड़ी अंदर से और बाहर से कंप्लीट चकाचक हो चुकी है, साफ हो चुकी है और इसके हमने दिए $34 इंक्लूडिंग टैक्स, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो इतने में यहाँ पे गाड़ी धुल जाती है। और दूसरी जगह भी आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे भी कभी गाड़ी धुलवाऊंगा तो उसमें ऐसा होता है, उसमें हाथ से कोई धोता नहीं है, उसमें बस आपको बैठना है गाड़ी के अंदर और फिर बस ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। गाड़ी का तो पूजन हो चुका है, अब हमारा पूजन करते हैं। तो हम खाने कोई इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं, समोसा चाट खाया जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी इंडिया की तरह पानी पकौड़ी के मजे ले सकते हो। पानी पूरी आगे एक और जगह है, वहाँ तो प्रॉपर ला रही है पानी पूरी की, तो वो भी खाने पे खा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का सफर है। हाँ यहाँ से यहाँ तक का। आपको स्पाइसी चाहिए या स्पाइसी? नहीं मेरे को रेगुलर और स्पाइसी। 18.37 मस्त है। कैसा है